नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज तारीख है 4 अगस्त 2018, शनिवार का दिन है। मैं आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो बना रहा हूँ, सप्ताह का शेयर। सप्ताह का शेयर वाले सेक्शन में मैं आज भी आप लोगों के लिए पोजिशनल ट्रेड, दो पोजिशनल ट्रेड नए सप्ताह के लिए, यानी जिसे हम लोग 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, उन दो स्टॉक्स को मैं लेकर आया हूँ सप्ताह का शेयर वाले सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वो कौन से दो स्टॉक्स हैं। पहला दोस्तों हमारा स्टॉक है इसमें अपोलो हॉस्पिटल का। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, वीकली चार्ट है ये अपोलो हॉस्पिटल का। आप यहाँ पे देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल अपने वीकली रेजिस्टेंस के पास आके इसने क्लोजिंग दिया है। ये वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं, वीकली रेजिस्टेंस जो है इसका ये 967 रुपए का है, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है 970 रुपए पर। इसने क्लोजिंग दी है शुक्रवार के सेशन में। और अगर इसका हम लोग डेली का चार्ट देखें तो डेली का चार्ट आप देख रहे हैं ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न को डेवलप कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इधर का हम लोग डेली का चार्ट देखें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न को डेवलप कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर से लेकर यहाँ तक कंप्लीट मूव करके वापस अपने उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट पर। अब दोस्तों हम लोग इसका आवर्ली चार्ट को चेक करते हैं। आवर्ली चार्ट में भी आप देखें तो इसने लगभग उसी राउंड में बॉटम पैटर्न को डेवलप किया है, और एक इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन का भी ये रेजिस्टेंस लेकर चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों इसका, इस ट्रेंड लाइन का मैं कलर बदल देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है इसका, रेजिस्टेंस लेकर ये चल रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को अगले सप्ताह के लिए सोमवार के सेशन में, अगर ये 975 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, 975 रुपए के ऊपर देता है तो इसमें पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन याद रहे क्लोजिंग 975 रुपए के ऊपर होना चाहिए, 975 रुपए के आसपास होना चाहिए 3 बजे तक के ट्रेडिंग सेशन में। अगर 3 बजे तक 975 रुपए के ऊपर ये ट्रेड करता है तो हम लोग इसमें पोजिशन बनाकर होल्ड कर सकते हैं। इसका मैं एक चीज और दिखा दूं दोस्तों, वॉल्यूम, क्योंकि जब पोजिशनल ट्रेड हम लोग लेते हैं तो वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। डेली बेस पे देखिए इसने बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी डेवलप किया, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया है शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। कंप्लीट 2 दिन में काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में पोजिशन बनाकर चल सकते हैं। अगर ये सोमवार के दिन ट्रेडिंग सेशन में, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में 3 बजे तक 975 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, 975 रुपए के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो हम लोग भी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और हमारा इसमें पहला टारगेट जो होगा दोस्तों वो होगा 990 रुपए का, पहला टारगेट होगा 990 रुपए का, और दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 1000 रुपए का। पहला टारगेट 990 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 1000 रुपए का। लेकिन याद रहे क्लोजिंग हमेशा 975 रुपए के जब तक ऊपर नहीं होती है तब तक इसमें हम लोग पोजिशन नहीं बनाएंगे, और इस कंडीशन में दोस्तों स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 965 रुपए का। याद रहे 965 या 962 रुपए का ज्यादा सेफ रहेगा, 962 रुपए का हम लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। याद रहे क्लोजिंग 975 रुपए के ऊपर होना चाहिए, और इस कंडीशन में हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 962 रुपए का। अगर ये 975 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है या ट्रेड करता रहता है 3 बजे तक, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में 3 बजे तक यानी कि 6 तारीख को, तो हम लोग इसमें पोजीशन बनाकर होल्ड कर सकते हैं 1 सप्ताह के लिए। तो जिसका भी पहला टारगेट हमारा होगा 990 रुपए का, और दूसरा टारगेट होगा 1000 से 1010 तक का। तो दोस्तों ये पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल सप्ताह का शेयर में,
अब चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा वो दूसरा स्टॉक कौन है जो जिसमें हम लोग 6 तारीख से पोजीशन बनाकर चल सकते हैं अगले सप्ताह के लिए, 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 6 तारीख सोमवार से लेकर 10 तारीख शुक्रवार तक पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ये देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें अगला स्टॉक हमारा है ओरो फार्मा का। हमारा अगला स्टॉक है ओरो फार्मा का। तो पहले हम लोग ओरो फार्मा का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट देख रहे हैं हम लोग ओरो फार्मा का। ये वीकली चार्ट है, इसमें भी काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ओरो फार्मा अपने वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, जो कि इसका आता है वीकली रेजिस्टेंस 625 का, और उसके आसपास ओरो फार्मा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आके रुका हुआ है, एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो हम लोग अब इसका हम लोग डेली चार्ट देखते हैं ओरो फार्मा का। डेली चार्ट भी आप देख रहे हैं, ये डेली चार्ट पर एक इसका ट्रेंड लाइन में यहां से अगर खींचूं तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनता है। ये है इसका ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर यानी अगर ओरो फार्मा सोमवार के दिन में अगर 625 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ओरो फार्मा सोमवार के दिन 625 से 627 के ऊपर रहता है, ट्रेड करता है 627 के ऊपर, 627 रुपए के ऊपर अगर ओरो फार्मा सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करता है, क्लोजिंग देता है 627 रुपए के ऊपर, तो हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं, इसमें पोजीशन बनाकर चल सकते हैं एक सप्ताह के लिए। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों 615 रुपए, 615 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा 640 रुपए का। पहला टारगेट 640 का होगा, दूसरा टारगेट 660 रुपए का होगा। तो अगर ओरो फार्मा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ओरो फार्मा सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में यानी 6 तारीख को 627 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन यानी 3 बजे तक, 3:15 बजे तक 627 के ऊपर क्लोजिंग देता है या ट्रेड करता रहता है 627 के ऊपर, तो हम लोग इसमें बाय पोजीशन में होल्ड बनाकर चल सकते हैं, पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 615 रुपए का, और जो पहला टारगेट होगा वो होगा दोस्तों 640 का, और दूसरा टारगेट होगा 660 का। तो दोस्तों सप्ताह के शेयर में मेरे ये दो स्टॉक रहे जिसमें हम लोग 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक के लिए पोजीशन बना सकते हैं, पहला अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा और विंडो फार्म। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।